देखिए कल से मैचेस की लाइन लग जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का तो चल ही रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया, वहाँ ऐसा हो रहा है कि मेरे हिसाब से जिसपे ज़्यादा लग रहा है वो टीम हार जा रही है, ठीक है। और जबरदस्ती की टीम हार रही है, फिर भी अपन प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। और कल से हमारा ये एशियन T20 स्टार्ट हो रहा है, वो आएगा नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा, पर बहुत सारे मैचेस हैं, मतलब ये 5+4, ठीक है। तो आपका जो ये मेन मैच है पहले मैं प्रेडिक्ट कर दूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारी टीम लखनऊ रहेगी, आप लखनऊ के साथ रहो। 3 में 3 शायद इन्होंने डिफेंड किया, तीनों ही मैंने आपको दिया था, ठीक है। और लखनऊ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इनके इवन दो अब मयंक यादव नहीं खेलेंगे, बट फिर भी लखनऊ इस टीम बहुत सॉलिड टीम है, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा करके देंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो स्किप कर सकते हो, बाकी हमें बहुत डिटेल में बात करते हैं क्या है क्या नहीं देखते हैं। इसका तीसरा T20 बारिश से धुल गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हमारी टीम यूनाइटेड स्टेट्स ही रहेगी। मैंने आपको बोला ही था 5-0 से आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहो, 2 में 2 ये जीत चुके हैं। ये वाला टूर्नामेंट बहुत खराब हुआ, मतलब इतना वर्स्ट टूर्नामेंट आज तक मैंने नहीं देखा। आप जो सोचोगे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, पहली चीज मैचेस एकदम डेड, जिस हिसाब का सेंसलेस मैच हो रहे, टाइटन जैसी टीम जबरदस्ती का हारना, कोई भी प्लेयर का खेल जाना, ठीक है, वेरी पुअर टूर्नामेंट अभी तक देखा जाए, फिर भी हम थोड़ा उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको बता दूं, ये जो हमारा ओमान वाला टूर्नामेंट है, ठीक है, एशियन T20, उसमें कल एक मैच हो जाने दीजिए, उसके बाद जब सबका प्लेइंग 11 वो आ जाएगा उस हिसाब से फिर प्रेडिक्ट करेंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, हमारी टूर्नामेंट की टीम नेपाल और दूसरे नंबर की ओमान रहेगी, ठीक है। हालांकि मैचेस बहुत तगड़े होंगे, सब एक नंबर की टीम है, मेरे कुछ ट्रिक्स है जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं, उस हिसाब से बाकी देखा जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहले IPL खत्म कर देते हैं, फिर वीडियो बन कर सकते हो, ठीक है। तो कल मैच है हमारा दिल्ली जो टेबल बॉटम है, हालांकि आज RCB वापस से टेबल बॉटम हो सकती है, आज RCB का सेट मुंबई से ना, तो लखनऊ और इनका मैच है। लखनऊ अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यूस विन कर रहे हैं, फिर से आपको विन करते हुए या तो कल लाते हुए मिलेंगे। RR कल का मैच हार गई पहला, सबसे मेन प्रॉब्लम इनकी हो गई, इन्होंने ट्रेंड बोल्ड को बॉलिंग ही नहीं दी, सेंसलेस। और दूसरी प्लस पॉइंट, हालांकि काम हो गया था आपका, ये बात याद रखिएगा, राजस्थान एकदम लो लग गई थी, ठीक है, इनडायरेक्ट में मैं बता रहा हूँ। GT ने वही किया जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने मैथ्यू वेट को लिया, अभिनव मनोहर को लिया, और शाहरुख खान ने वो जो पारी खेली वो बहुत बेहतरीन पारी थी, जहां से वो मैच में ऊपर है, अगर वो जल्दी आउट हो जाता तो काम खत्म हो जाता, ठीक है। तो वही मैं बोलता हूं, जो मैच होते हैं वो ऐसे प्लेयर्स जिताते हैं, और वही हुआ GT के साथ। और RR सबसे मेन पॉइंट जब था कि मैं इंटरव्यू भी देखता हूं, तो संजू सैमसन ऐसे तो बहुत कूल बनता है, पर जब वो मैच हार गया तो उसके बाद जब वो पोमी मगामवा जो इनका ये जो इंटरव्यू ले रहा था, तो उसका थर्ड क्लास नेचर सामने आ गया, ठीक है। वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, वो खराब तरीके से उसको जवाब दे रहा था, फिर उसने बाद में बोला यार अभी मैं हार गया हूँ तो फिर 2-3 घंटे के बाद ही मैं जवाब दे सकता हूँ, तो फिर आपको इंटरव्यू देने नहीं आना चाहिए। जो लोग ये कूल लगते हैं, देखिए सब MS धोनी नहीं होते, ठीक है, आपको अपना नेचर जो है ना बहुत जमीन पर रखना पड़ेगा। वो हारने के बाद, चलिए वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेंस नहीं बनेगा स्टोरी बताने का, हालांकि आप सुनना चाहो तो चलिए बता ही देता हूँ। उसमें हुआ क्या, जब वो हार गया तो उसके बाद पोमी मगामवा करके जो शायद वही मेरे को साउंड सुनाई दे रहा था उसका, उसने पूछा भाई कैसे हार गए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मतलब किस सिचुएशन में आ रहे, तो बोला ये लास्ट बॉल पे ही तो मैं हारा, मतलब उसके हिसाब से जो लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था। तो फिर उसने उससे यही बोला कि वाकई आपको लगता है कि आप उस मोमेंट पे हारे, तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसने ये बोला कि अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं कैप्टन हूँ, हारने के 2-3 घंटे के बाद ही मैं जवाब दे पाऊंगा, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था वो, ठीक है। कैप्टन कूल रहना एक अलग बात होती है भाई, इंटरव्यू में आपका प्रोफेशनलिज्म सामने आना चाहिए। आप हार गए, अपनी हार को साइड में रख के जब आप बात कर रहे हो तो उतने बेहतरीन तरीके से आपको बात करनी चाहिए। इसलिए शायद आज तक उसने कभी, मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूँ, जो इंसान दिल से अच्छा होता है ना वो आगे बढ़ता है जिंदगी में, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर का नाम मैंने लिया हो जिन्होंने पहले ट्रॉफियां जिताई, इसीलिए राजस्थान ने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, ठीक है। क्योंकि आप सामने से कैसे हो और अंदर से कैसे हो, आप बोल रहे हो भाई कैसी बात कर रहे हो, तो मेरी बात आपको बहुत कम समझ में आएगी, ठीक है। MS धोनी ने इतने टाइटल्स जीते, रोहित शर्मा ने इतने टाइटल्स जीते, आपका नेचर ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए उस समय की रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा, फिर मैं यही चीज बोल रहा हूं, अभी से जब से उन्होंने हर चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, कोई सेंस नहीं है, इतने करोड़पति होने के बाद भी सब खत्म हो गया उनका, पहले वो मुंबई के खिलाफ सारा मैच जिता रहे थे, तो वो चीज के ऊपर चलिए मैं एंड में डिस्कस करूंगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखूंगा ताकि आपको ये बता दूं कि क्रिकेट से हटके भी कुछ चीज होती है, और देखिएगा पैट कमिंस कितना अच्छा करेगा, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं, मैं फालतू की बातें करता रहूंगा, पहले हम आपको बता देते हैं इनका मैच, ठीक है, ये क्लियर है। इसमें बॉलर का SS मेरे लिए कोई कैंडिडेट नहीं होगा, डेविड पार्टिकल का वही हाल हो रहा है जो आपका रियान पराग का हो रहा है, और रियान पराग अब जाके खेल रहे हैं 4 साल बहुत खराब खेलने के बाद, और अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो उसका लगभग हर मैच में पहले कैच छूटा है, तो बस वही है, कॉन्फिडेंस है, लक है, वही मैं बोलता हूं आपको, लक होगा तो आप चमकोगे। अगर अभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो 4-5 पारी में 2-3 मैच में तो शुरू में ही आउट था, वो आउट हो जाता, खत्म हो जाता, ठीक है, पर लक उसका चमका इस बार, और लक जब साथ होता है, आपका टैलेंट हार्डवर्क साथ होता है, तो ही आप ऊपर बढ़ते हो। आप समझ रहे हो, मैथ्यू वेट ने उसका 2-2 कैच छोड़ा, इसके पहले भी जो एक मैच में टिका था उसमें शुरू में उसका कॉटन बोल्ड छूट गया था, तो ये होती है लक और आपकी मेहनत, जब दोनों साथ होता है, जब सब लोग मतलब सब चीज मिलती है ना, तो आप बड़े प्लेयर बनते हो। याद रखिएगा बहुत सारे क्रिकेटर आए और गए, ये जो मैं बात बोलता हूँ ऐसे ही नहीं बोलता, अभी डेविड इसका दिन नहीं चल रहा, बट बहुत बड़ा प्लेयर, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ही इज मोर देन केपेबल कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेले कंटिन्यूअस बेसिस पे, पर मैं यही मानता हूँ इज एन ओपनर, राजस्थान ने भी इसको तीसरे पे बात किया और ये भी वही कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ KL राहुल को नीचे आना चाहिए, ठीक है, बाकी इनकी मर्जी। स्टोनिस अच्छा कर रहे हैं, पूरा अच्छा कर रहे हैं, बाकी इनकी बॉलिंग कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई, इनके अभी वो चोटिल हो गए मयंक यादव, ठीक है, मोहसिन खान चोटिल चल रहे हैं, पर फिर भी टीम अच्छी, और M Siddharth का आपने प्रदर्शन देखा, सारे मैच में पावर प्ले में आकर के इन्होंने रन रोके हैं, ठीक है। इस टीम में देखा जाए तो ये सब एवरेज क्रिकेटर है, सिर्फ इसने ही अभी तक रन बनाया और इसने भी रन बनाया, बाकी ये भी बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे और टीम पूरी एवरेज है। हाँ, कुलदीप यादव अगर आते हैं और आपके क्या नाम है इसका मुकेश कुमार आते हैं, तो मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ, इनकी अगर ये वापस आते हैं तो ये 100% डिफेंड करके देंगे, अगर ये पहली बैट करके कुछ अच्छा करते हैं या तो आपको कलर ला के देंगे, पर कल के दिन हमारा कुछ है नहीं, फिर से शॉपर 21 अपना आउट कर सकते हो बॉल पे। डेविड वार्नर भी मेरे को कुछ खास पसंद है नहीं, बाकी सभी इन सबको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो बस यही है और तो कुछ है नहीं। अब आइए बात करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे 18 तारीख को, है ना, ठीक है।
इसमें मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहो पक्का हो जाएगा, ठीक है। टस्कर्स और वॉरियर्स में वॉरियर्स के साथ रहो, इवन दो ये मैच बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और कराया जा रहा है, ठीक है। चाहे मानो चाहे मत मानो, टस्कर्स जैसी टीम टाइटंस को वन साइडेड नहीं हरा सकती, पर इनको हराना है तो हराएंगे। वो मेरे हिसाब से जहां लग जा रहा है ज्यादा, वो उस टीम को हरा दे रहे हैं, ठीक है। कल भी टाइटंस ने 127 रन नहीं बनाया, कोई सेंस ही नहीं, ठीक है। हालांकि काम हो गया, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अपना काम हो गया, बट ये है कि सेंसलेस चीजें हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। टाइटंस टीम अच्छी है अभी तक, जितना भी हारे थोड़ा बहुत कलर देखे गए हैं, डेविड विसा की भी वापसी हुई है। बाकी अगर रॉक्स में देखा जाए तो ये भी आपको एक दो मैच अच्छा दे चुके हैं, कि बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉग है, ठीक है। बॉलिंग से अपना मैच डिफेंड करा सकते हैं, मैं वही बोलूंगा। दोनों ही डिफेंड मैच हो, डिफेंड टीमें हैं जो अगर पहले बैट करके अच्छा बना लेते तो डिफेंड करके दे सकते हैं। पर फिर मैं आपको बोलूंगा, ये टूर्नामेंट मैक्सिमम स्किप कीजिएगा, बहुत कम करिएगा, ठीक है। और इसमें भी देखा जाए तो इनकी टीम काफी अच्छी है, और इनकी टीम भी देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। इनके जो रन रूट शॉट ने अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। इसके अलावा दोनों अच्छी बैटिंग करते हैं, ये भी अच्छी बैटिंग बॉलिंग करते हैं, तो इनकी टीम भी काफी अच्छी लग रही है। दोनों ये मैच मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा अभी, ठीक है। चलिए अभी आपको प्रेडिक्ट कर ही देता हूं, ऐसा टेबल से कुछ पता नहीं चलेगा, बट मेरे हिसाब से चौथे नंबर की टीम हमेशा रुकनी चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं इनका सेमीफाइनल फाइनल होना है, ठीक है। तो चौथे में कल इसका मैच है, डब्ल्यूपी का मैच है आपका इससे, है ना, एनडब्ल्यूडी से। तो हो सकता है डब्ल्यूपी हार जाए, अगर मैं अपने टेबल ट्रिक का हिसाब देखूंगा तो हो सकता है कल डब्ल्यूपी हार जाए, याद रखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, चौथे नंबर की टीम को रुकना रहता है, ठीक है। आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लो, अब ये टीम एकदम फिक्स हो गई है, तो हो सकता है डब्ल्यूपी सारा मैच हार जाए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो डब्ल्यूपी लास्ट का दो मैच तो हार चुकी है, टाइटंस भी हार चुकी है, सब इधर ही रुके हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन आपको डब्ल्यूपी हारते हुए मिल जाए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यही सब टीम में से कोई एक टीम फिर जाएगी, तो कल मैच है हमारा डब्ल्यूपी का एनडब्ल्यूडी से, तो एनडब्ल्यूडी आप पिक करो। टाइटंस का मैच रॉक से, हो सकता है फिर रॉक जीत जाए टूर्नामेंट इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगर टाइटंस भी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और वॉरियर्स का मैच टस्कर से है, तो उसमें तो मेरा ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्लियर बता रहा हूं, ये हमारा सिर्फ एक मैच रहेगा कल का, बाकी ये जो ओमान वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या करना है वहां पर। अभी से अगर आप मेरे से पूछोगे हमारी टीम ओमान रहेगी, पर वो ये ना ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें क्या है कि छोटी मोटी टीमें हैं, मैच अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। इसमें हमारी टीम वॉरियर ही रहेगी, इसमें हमारी टीम यूनाइटेड स्टेट्स रहेगी। ये मैच थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, और इसमें मैं इसको पिक करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि टेबल ट्रिक काम कर रहा है थोड़ा बहुत। इसमें अगर ऐसे भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो हो सकता है कल के दिन वापस से टाइटंस जबरदस्ती का हार जाए, ठीक है। पर ये टूर्नामेंट मैं आपको मैक्सिमम यही बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्किप करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पर ये टूर्नामेंट इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हो सकता है रॉक्स को जिता दे। अभी भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अगर ऐसे देखेंगे तो इनको सबको 14 मैचेस खेलने हैं और सेमीफाइनल और फाइनल है, ठीक है। तो देखा जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कल के दिन आपको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली रॉक्स के साथ रहोगे तो आपका काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ इन दोनों में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ये दोनों एक तरह से यही मैच मैं श्योर हूँ, लखनऊ वाला आप कर सकते हो, बाकी सब अगर कुछ होगा तो देखेंगे, मेरे से कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी परसों से उसको भी कवर अप करेंगे ओमान वाले को, एक बार टीम आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। 18 तारीख से देखिए, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, अभी मैचेस क्या है, सिर्फ आईपीएल जिस टाइम पे आता है तो सिर्फ आपको एक ही मैच मिलता है पूरे दिन में आईपीएल करना, ठीक है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अब बस 18 तारीख तक का वेट कर लीजिए। 18 तारीख से जो मैचेस शुरू होंगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के, वुमेंस के, ठीक है, रेचल हिंस स्प्रिंट ट्रॉफी स्टार्ट होगा, फिर इंडिया बांग्लादेश जाएगी वुमेंस वाली, तो मैच बहुत अच्छे मिलेंगे आईपीएल के अलावा, ठीक है। हालांकि आईपीएल सही चल रहा है, मैंने जितनी भी टीमें आपको इस मंथ बताई ऑलमोस्ट सब पास है, तो कला देखे गई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ।